सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पांचवा टॉपिक है या पांचवा मेथड कह सकते हो फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी मैच्योर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो क्या करता है, को मैच्योर होने पर जब हम उसे उसके कई सारे फ्रेगमेंट्स में या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर से जो जो पीसेज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से अमीबा भी क्या करता है, दो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा दो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है, उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि एक जब तक कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो फ्रेगमेंटेशन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन स्पेशली सी एनिमोन या फिर स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। सी एनिमोन क्या है, एक सी में पाया जाने वाला यानी समुद्र में पाया जाने वाला एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कह सकते हो एनिमल है। लेकिन जो आपका स्पाइरोगायरा होता है वो एक कह सकते हो सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट में आता है, क्या एक तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स कह सकते हो। तो हम यहाँ पर जो आपको एग्जांपल बताने वाले हैं वो स्पाइरोगायरा का बताने वाले हैं। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, तो ये क्या है, एक मैच्योर स्पाइरोगायरा का एक फिलामेंट है। अब मैंने इस मैच्योर स्पाइरोगायरा को तीन भागों में कट कर दिया, तो अब ये कुछ समय बाद ये तीन जो फ्रेगमेंट्स हैं, एक दो तीन, ये तीन नए जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये तीन नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और कुछ दिनों बाद ये डेवलप्ड होने के बाद क्या होंगे, ये डेवलप्स हो जाएंगे और फिर इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये स्पाइरोगायरा फिलामेंट जो है इसको मैंने तीन भागों में फ्रेगमेंट कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, और ये तीन भाग जो है यानी तीन जो फ्रेगमेंट्स हैं जिन न्यू ऑर्गेनिज्म में नए स्पाइरोगायरा पैदा करेंगे। और जब ये स्मॉल जो स्पाइरोगायरा है जब मैच्योर हो जाएंगे तो इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में और बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ इतना ही अंतर है, यानी अमीबा में और स्पाइरोगायरा के अंदर बस इतना ही अंतर होता है, इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो समय के साथ मैच्योर होंगे, यानी ये इनकम्प्लीट होते हैं। समय के साथ क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे और फिर इनका भी फ्रेगमेंटेशन होना चालू हो जाएगा। लेकिन बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो अमीबा से न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, उन्हें मैच्योर होने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये इनके अंदर अभी भी डेवलपमेंट बाकी है और ये धीरे धीरे करके टाइम डिविजन के साथ क्या हो जाएंगे, ये भी मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर होने के बाद इनका भी फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अपने जैसे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्पाइरोगायरा या फिर सी एनिमोन का रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट्स में यानी टू और थ्री पार्ट्स में हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो समय के साथ मैच्योर होने के बाद क्या बन जाते हैं, एक न्यू स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर न्यू सी एनिमोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्पेशली ये फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, स्पाइरोगायरा एग्जांपल दे सकते हो, दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो, सी एनिमोन दे सकते हो। लेकिन फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फ्यूजन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कंप्लीट मैच्योर नहीं है, लेकिन बाइनरी के अंदर क्या होता है, उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। यानी जो दो डॉटर सेल जो है, जो अमीबा से जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं, यानी बाइनरी फ्यूजन द्वारा जो डॉटर अमीबा पैदा हुई है या कह सकते दो डॉटर अमीबा पेरेंट सेल से डॉटर अमीबा पैदा हो रहे हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये समय के साथ क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होने के बाद
इनका जो फिलामेंट्स है, फिर दोबारा से फैगमेंट्स होगा, इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से सी एनिमोन भी ऐसा ही करता है। फैगमेंटेशन की डेफिनेशन आप कॉपी करना चाहें तो मैंने बोर्ड पर लिख रखी है। तो फैगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू, यहाँ पर दो बार लिख दिया है हमने, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेज ऑन नेचुरली, यानी किसी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पाइरोगायरा को, जब तक हम उसके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे बॉडी पार्ट्स में नहीं कट कर सकते जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है, उसे दो या दो से अधिक पीसेज में डिवाइड किया जा सकता है। अब उसके ये दो या दो से अधिक जो पीसेज हैं, ये भी नए क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज बनाएंगे, यानी अगर स्पाइरोगायरा को किया गया है तो उसके नए स्पाइरोगायरा बनेंगे, और बाद में क्या होगा, इनका भी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इनका भी फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा। इनटू टू और मोर पीसेज ऑन द मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्स्टिट्यूट द ग्रुप टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये समय के साथ ग्रो होंगे और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि बाइनरी फिजन के दौरान अमीबा या पैरामीशियम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, ये ऑर्गेनिज्म अभी कंप्लीट नहीं है, टाइम के साथ ये ग्रो करेंगे और क्या बन जाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और कंप्लीट होने के बाद इनमें से भी फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट।